हेलो दोस्तों, आज करने वाले हैं जीपीयू कॉपर मॉड। तो देखते हैं स्काई कंपनी यूट्यूब चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके ही जाना। वार्निंग, जीपीयू में एसएमडी कैपेसिटर और छोटी छोटी कंपोनेंट्स होने के कारण इसमें कॉपर मॉड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि एसएमडी कंपोनेंट्स पर कोई कोटिंग या कवरिंग नहीं होता। इस वजह से उस पर कॉपर की प्लेट लगाने पर शॉर्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए हीट रेजिस्टेंट टेप लगाना पड़ जाता है। यहाँ मैं स्क्रू खोलने के लिए इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर का यूज़ कर रहा हूँ। यह स्क्रू ड्राइवर बहुत अच्छा है, क्योंकि जो हमारे स्क्रू है उसके हेड पर कोई निशान नहीं छोड़ता, स्क्रैचेस के या कुछ ख़राब नहीं कर देता ये स्क्रू ड्राइवर। जीपीयू को धीरे धीरे से खोलना चाहिए, क्योंकि फैन का और आरजीबी स्ट्रिप जो कनेक्टर है वो टूटने की संभावना रहती है, तो धीरे धीरे से खोलना चाहिए। और जो हमारे थर्मल पैड है और कॉपर शीट है वो सेम साइज़ की नहीं होनी चाहिए, 0.5 का गैप होना चाहिए कॉपर शीट में। इसकी वजह से जो हम थर्मल पेस्ट लगाएंगे उसमें 5 mm का जो गैप है वो फिल हो जाएगा। जीपीयू डाई और हीट सिंक है, जितना गैप चाहिए उतना आ जाएगा इसकी वजह से, और थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ जाएंगी। यहाँ पे जो SMD कंपोनेंट्स है उसको हीट रेजिस्टेंट टेप से कवरिंग करना पड़ेगा। इसके वजह से जो SMD कंपोनेंट्स है वो शॉर्टिंग से बच जाएंगे।